नारी शक्ति शक्ति का आभास करते हुए एहसास करते हुए सर से उनकी बात लाया हुआ है। जैसा कि देवता जी कह रहे थे बचपन में जब मां प्यार करते हुए हाथ मिलती है बाप मुलायम होते थे और पढ़ते थे, जवानी में जब पत्नी ने सर पे हाथ मिल दिया तो कड़े हो गए और चले गए। कई लोगों ने देख के ऐसा लगा कि पूरे पौधे की औरतों ने हाथ मिल दिया, कई लोग अपने बेटों के हाथ मिल गए। लेकिन मैंने एक सच बताऊं तो आज तक किसी महिला को तकली नहीं गई, महिला के सिर पे चांद नहीं गए, सिर्फ पुरुषों के सिर पे चांद। मैंने अपने चलिया, अच्छा मैं आपको ये बता रहा हूं, जब मेरे सामने कोई चलिया पुरुष आता है तो मुझे बड़ी इच्छा होती है उसकी पत्नी ने कितना प्यार किया आप देख सकते हैं। मैं कितना मैंने अपने कच्चे मित्र से पूछा इसकी दिक्कत क्या है, नाई के पैसे बचते हैं, कंघी के पैसे बचते हैं, तेल के पैसे बचते हैं, दिक्कत कहां है। बोले यार होता ये दिक्कत कुछ नहीं, जब सुबह को घूमे तो समझ नहीं आता कहां बात है। अब एक महिला, महिला दिवस की बात चल रही, एक महिला अपने छोटे से बच्चे को, बच्चे तो छोटे ही होते हैं, छोटे बच्चे को अपनी शादी का अनुभव बता रही है। आप ध्यान दीजिएगा, शादी का अनुभव दिखा रही है, बेटा ये देखो मैं इतनी स्लिम मिलती आजकल मोटी हो गई हूँ, बेटा ये देखो तुम्हारे नाना जी, ये दादा जी, ये चाचा जी, और बेटा ये देखो तुम्हारे पापा जी। उस समय पापा जी के पास थे अभी गायब हो गए। बच्चे ने पूछा कि मम्मी बाल वाले पापा को देख के, मम्मी अगर ये मेरे पापा है अपने साथ जो टकरे रहते हैं हम इतने इतने मम्मी पापा आए। बोले बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, और ये देखो मेरे साढ़ू भाई। अब साढ़ू भाई के डेफिनेशन यानी परिभाषा आपको बताता हूं, अच्छी तरह से आशीर्वाद लीजिएगा। बेटा पूछता है पापा ये साढ़ू भाई क्या होता है, उसके पापा बताते हैं जब दो अपरिचित व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो वो आपको साढ़ू भाई कहते हैं। बड़ी हाथ की बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ट्रेन से आ रहा था, अब आना देखिए आजकल तो बिना रिजर्वेशन के अंदर नहीं घुसने देते हैं। इसके पहले की मैं बात बता रहा हूं, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला तो मैं जैसे चलने को हुआ ट्रेन में तो वहां एक महिला बैठी हुई, महिला की बात चल रही है, महिला बैठी हुई थी, बुजुर्ग आदमी का उस महिला पर पैर पड़ गया। तो बुजुर्ग आदमी से महिला ने बोला थोड़ी, उसने बोला ये सो के थोड़ी देर बाद मैं चला जा रहा हूं मेरा पैर पड़ गया। तो बुजुर्ग आदमी बोला तुमको समझ में नहीं आता दिखता नहीं है। तो मैंने कहा दादा अभी तो महिला है कि आपने सो के बोला, उसने भी सो नहीं बोला, मैंने भी बोला, आप ही लोग मेरी सोने में कैसे पहले लगाना
नहीं लगाए तो चालान होता है, आजकल तो मास्क भी लगाना जरूरी है। मेरे पास हेलमेट नहीं था, मैं गाड़ी निकाल के चौराहे में लेते ही गया तो पुलिस वाले ने रोका, बोला हेलमेट नहीं है चालान। मैंने कहा कितना, बोले 500 रुपए। तो मैंने कहा कुछ दे देंगे निकालो, 100 रुपए दो। मैं भी कभी मैंने कहा अगले चौक पे जाऊंगा, वो पूछेगा तो। पुलिस वाले ने बोला आजकल कोरबा रोका रोका है। मैंने कहा भाई अगले चौक पे गया, पुलिस वाले ने देखते होगा, मैंने चलते चलते कहा रोका रोका। उसने बोला ये थोकी। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन फिर वही चौराहा, फिर वही पुलिस वाला, मैं बिना हेलमेट के जैसे उसने रोका, मैंने कहा रोका रोका, निकाल दो बात हम साथ। ये माहौल बदल जाता है। अभी महिला दिवस की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिला पुरुषों से श्रेष्ठ होती है। उसके कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रखता हूं। आप देखिए, साल में एक शिवरात्रि, साल में दो नवरात्रि, सारे शक्तिपीठ देवियों में, सारे अधिकार देवियों के पास। आपको शक्ति चाहिए तो काली के पास चाहिए, दुर्गा के पास चाहिए, आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास चाहिए, और परिस्थितियां चाहिए तो काली के पास चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि नाम से पहले महिला का नाम, देवताओं में सीता राम, राधेश राम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, और अगर मनुष्य में आप आ जाते हैं तो मनुष्य में आप देखिए जी राधा, श्री परिहार, लैला मजनू। तो मेरे मित्र ने बोला, बोला ये मुझे नहीं, मैं आपको बताता हूं कि आजकल महिलाएं सारी काम करती हैं लेकिन एक जगह तो नहीं पहुंच पाई। मैंने बोला वो कौन सी जगह, तो उसने बोला पायल लगे। मैंने कहा ऐसा क्यों, बोला दरअसल महिलाओं का काम आग लगाना है। वो आग चाहे चूल्हे में लगाए चाहे दिल में, पूछा था तो भूलो से मैं अपने अवकाश में आता हूं और आपको चंद कविता सुनाता हूं। आपको मालूम है कि अवकाश हटाने के बराबर है, जैसा कि उस भिखारी ने बता दिया। एहसास चार भंगिया एहसास के लिए कि मैं उदरिया में कहता रहता हूं, मैं उदरिया में कहता रहता हूं, दर्द सहता हूं, गुस्सा सहता हूं, और पूछते हैं आप क्या पता मुझसे, मैं उन एहसास कहता रहता हूं। और आदरणीय कश्मीर के मुख्य दीप को चार पंक्तियां देना चाहता हूं। इन चार पंक्तियों में मुझे सर 2008 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड मिला। वो चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। ऐलान कर दो ये जमाने में, ऐलान कर दो ये जमाने में, और नाम लिखा है जाने जाने में, और संगठित हो रहा दलित देर नहीं कलावा है। आप इसी तरह से संगठित रहे, संघर्ष करे, शिक्षित बने। आइए गीतों पर चार पंक्तियां लेता हूं कि दर्द शब्दों में जब भी होता है, दर्द शब्दों में जब भी होता है, और कदम में जो होता है, सेम लोग अपनी होते हैं, तब कहीं ये गीत होता है। और कानून व्यवस्था की बात करें तो चार पंक्तियां निकल के सामने आती है कि जनता आखिर निर्दर्श है, उसकी इज्जत सस्ती है। जनता आखिर निर्दर्श है, उसकी इज्जत सस्ती है। अरे उसकी मैं धनवान यहां का, उसकी हस्ती हस्ती है, और न्याय की परिभाषा हम इतनी ही जाना ऐसा चार वर्ष कानून के जाना जो और पहली बार आए हम दुनिया में चार पंक्तियां देना चाहता हूं सभी श्रोताओं को कि जब ऐसा याद आए क्या महसूस करेंगे, क्या एहसास होगा कि देखना जाएंगी आ जाएंगी और नाम भूलते जो लोग अपने तुम एहसास का देखना। एक माँ बिखारा नाम गोद में छोटा सा बच्चा है,
जब उसको भूख लगती है तो बच्चा होता है, जब बच्चे को भूख लगती है बच्चा होता है, बात देने के लिए कुछ नहीं होता, देने की जरूरत नहीं। ये बातें जब आपके दिल में चुभन करेगी, हरकत करेगी, आप तालियां बजाकर आशीर्वाद जरूर देंगे। इन चार भक्ति को मां के गर्व को छोड़ेंगे, मां का दिल जा रहता भक्तों की गलती होता तो सच जाएगा, धन्यवाद।